मुझे हंस रहे हैं, लेकिन दुख तो होता ही है कि अपनी हंसने का भी पीछे एक कारण की योजना है, ताकि कई लोगों को भी पता नहीं है कि अपने सरकार की कैसी योजना है, कौन सी योजना है, और अपने भी जानकारी में काफी लोगों को नहीं है कि अपने सरकार की योजना कौन कौन सी है। ये अपने सामने दिख रही है इतनी अच्छी 6 लाइन हाईवे, यानी अपन बड़े बड़े शहरों में जाते थे तब ये लगता था कि ऐसे भी हाईवे होते हैं, ऐसे भी रोड होती है। ये आधारा मुझे हंस रहे हैं, लेकिन दुख तो होता ही है कि अपनी हंसने का भी पीछे एक कारण है कि जमीन गई है, और दुख तो होता ही है, सबका भी होता है दुख कि आपने जमीन गई है। लेकिन आधाराम को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि दुख निकल मन में दुख नहीं, यानी मन को दुख नहीं देना है, अच्छी योजना आई है। और आपने मैं धन्यवाद देना चाहूंगी नितिन जी गडकरी साहब को और मोदी जी को कि अपने एरिया में अपन इतने भाग्यशाली है कि अपने एरिया में इतनी अच्छी योजना, और अपने नजदीक में देवदाराम जी ने बताया कि अपने पास में जीवाड़ा में मंडी है, अनार मंडी है, तो इतना नजदीक हाईवे होने की वजह से यहाँ का रोजगार भी बढ़ेगा। और केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं, जैसे कि राम मंदिर, भाई रमेश जी ने बताया कि कई सालों से अपने पूर्वजों ने कितने खून बहाया होगा, कितनी लड़ाइयां लड़ी होगी, लेकिन अपना राम मंदिर आज दिन तक यदि किसी ने बनाया है तो अपने मोदी जी की सरकार ने बढ़ाया है। धन्यवाद देना चाहूंगी मोदी जी को कि आपने ये राम मंदिर बढ़ाया, धारा 370 हटाई, और ऐसी कई कई योजनाएं हैं जो अपन को इस सभा को बतानी चाहिए, और आगे भी खुद सारे वक्त हैं उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। इसी शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगी और धन्यवाद देना चाहूंगी तुलसीराम जी को कि मुझे बोलने का मौका दिया, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, अपने